आदमपुर थाना पुलिस ने किए बुजुर्ग की हत्या के दो हत्यारे गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस बरामद। जनपद अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सलारा में बीती 3 मार्च की रात को घर में सोते समय बुजुर्ग गोवर्धन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग गोवर्धन के बेटे अखिलेश की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पूरे मामले की जाँच शुरू की थी, जिसके बाद जाँच के दौरान गाँव के ही हुकम सिंह का नाम प्रकाश में आया, जिसे पूछताछ के बाद पता लगा कि हुकम सिंह 10 साल पहले अपने पिता के साथ हुए झगड़े का बदला लेने के लिए गोवर्धन की अपने दोस्त अजब सिंह के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मेज थप्पड़ मारने के विवाद में 10 साल के बाद गोली मारने की हत्या के मुख्य आरोपी हुकम सिंह और उसके भतीजे अजब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा लिखकर दोनों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दोनों को जेल भेज दिया। लेकिन उससे पहले अमरोहा के एसपी ऑफिस में मीडिया के सामने दोनों को पेश किया गया। आज पूरा मामला एक और ये आदमपुर थाने क्षेत्र में 2/3 मार्च को एक 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या हुई थी। इस हत्या का आज पता हुआ है। इसमें दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। उनका हत्या करने का कारण यह था कि एक तो पुरानी रंजिश थी, मृतक ने उसके पिता को थप्पड़ मारा था और दूसरे मृतक के पुत्र को हत्यारों ने 3 बीघे ज़मीन बैनामा की थी, लेकिन उस पर लोन भी ले रखा था और दाखिल खारिज भी नहीं होने दिया, तो इस कारण उसकी हत्या कर दी थी ताकि जो मेन आदमी है उसके मरने के बाद ये कोई पैरवी नहीं कर पाएगा। ठीक, अभियुक्तों के पास से एक तमंचा और कारतूस मिलेंगे। ठीक।